हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और 3ds Max से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो प्लीज़, जिन भी दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग बात करेंगे रेंडर सेटिंग्स के बारे में कि लो रेंडर सेटिंग्स क्या हैं और हाई रेंडर सेटिंग्स क्या हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने PC में वीरे इंस्टॉल कर लें और फिर रेंडर सेटिंग्स में वीरे को ऑन कर लें। प्रेस F10 फॉर रेंडर सेटिंग्स एंड इसमें हम लोगों को ऑप्शन मिलेंगे कॉमन, वीरे, इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन सेटिंग्स एंड रेंडर एलिमेंट्स। इसमें हम लोग कॉमन में सिंगल्स में आ जाएंगे। सिंगल्स में हम लोग सिंगल फ्रेम रेंडर कर सकते हैं एंड रेंज में हम लोग रेंज डाल करके। इस टाइम हम लोगों का सिंगल है तो हम लोग सिंगल पे रहने देते हैं। एंड इसमें हम लोग अपनी कस्टम वैल्यू भी डाल सकते हैं रेंडर की साइज़ की। एंड फिर वीरे में 100 लास्ट VFB से हमारा लास्ट रेंडर जो है हमको वो दिखाई देता है। एंड हम लोगों को इसमें अनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर, ये ऑन करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ये ऑन कर देना चाहिए जिससे कि हम लोग अपना साइज दे सकें। एंड गेट रेजोल्यूशन फ्रॉम मैक्स, इससे हम लोग मैक्स से रेजोल्यूशन दे सकते हैं। एंड इस पर एंड टिक करते हैं तो हम लोग अपने वीरे से रेजोल्यूशन दे सकते हैं इमेज का। एंड ये हम लोगों ने इमेज एस्पेक्ट रेशियो जो है लॉक कर दिया है, जिसको लॉक करने के बाद हम लोग अपनी इमेज का साइज़ कैसे भी बढ़ा सकते हैं एंड उसका जो रेशियो है वह सेम रहेगा। जिससे इसके बाद है ये, इससे हम लोग सेव रेंडर फाइल्स सेव कर सकते हैं इसके अंदर। एंड इसके नीचे ज़्यादा ये हम एडेप्टिव DMCI, इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसमें। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन ऑन कर देंगे। एंड हम लोग रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव, इन दोनों में से जो भी हमारे सीन में यूज़ है उसे ऑन करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस वाले सीन में मेरा रिफ्रैक्टिव ऑन है तो इसलिए मैंने रिफ्रैक्टिव रखा है। एंड फिर आते हैं प्राइमरी बाउंस, जिसमें हमारा इरेडियंस मैप रहता है GI इंजन। एंड एम्बियंट ऑक्लूजन ऑन कर देंगे, जिसके सब डिविजन्स जो हैं 12 हैं। चाहे तो हम इसे भी लो रेंडर में कम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इरेडियंस मैप पे, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे हमें सेम रहने देना है। एंड सेकेंडरी बाउंस में हम लोगों को रखना है लाइट कैचे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्रूट फोर्स यह रहता है। उसके बाद हम लोग आता है इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, जिसमें हम लोग बिल्ट इन प्रीसेट में अगर हमें लो रेंडर सेटिंग्स रखने हैं तो हम लोग इसमें से वेरी लो या फिर लो, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद है वीरे लाइट कैचे, जिसमें हम लोगों को सब डिविजन्स की वैल्यू चेंज करनी होती हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1000 आती हैं। एंड लो रेंडर सेटिंग्स के लिए हम लोग इसको 100 रख सकते हैं। एंड इसके बाद सेटिंग्स में हम लोगों को नॉइस थ्रेशोल्ड चेंज करना होता है, जो कि हम लोग लो रेंडर सेटिंग्स में 0.01 रखते हैं एंड हाई रेंडर सेटिंग्स में 0.001। मिनिमम सैंपल्स 10 एंड ग्लोबल सब डिविजन्स बाय डिफ़ॉल्ट 1 आता है, जो कि हम लोग लो रेंडर सेटिंग्स में चेंज कर कर 0.02 रख सकते हैं। एंड हाई रेंडर सेटिंग्स में आप लोग 1 या फिर 1.2 रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सीन। एंड इसके बाद लो रेंडर सेटिंग्स में ज़्यादातर हम लोग यही चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे रेंडर टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट, इन्हीं 3-4 प्रॉपर्टीज़ से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रेंडर टाइम पे। एंड रेंडर एलिमेंट्स, इसके बाद रेंडर एलिमेंट्स के लिए हम लोग अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे, जिसमें हम लोग कैसे अलग से पासिस लेकर के उनको कैसे एडिट कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में या आने वाले कुछ टाइमों में ये ट्यूटोरियल बना के दिखा दूँगा। इसके बाद एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं वीरे पे जा करके, क्योंकि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है इसमें। एंड इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में
कॉमन में हम लोग रेंडर आउटपुट ये सेव कर सकते हैं इसमें, कि हमारी फाइल रेंडर होने के बाद ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो ये थी हमारी रेंडर सेटिंग्स, हाई रेंडर सेटिंग्स एंड लो रेंडर सेटिंग्स। ये मैंने आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट टाइप एक फाइल बनाई है, तो आइए एक बार इन ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों का इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, इसमें हम लोगों को तीन ऑप्शन मिलते हैं, सेकेंडरी बाउंस, इरेडियंस मैप एंड लाइट कैचे, जो इनके साथ हम लोगों को जिनकी सेटिंग्स को चेंज करना होता है। सेकेंडरी बाउंस में हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है ब्रूटे फोर्स, तो उसको हम लोगों को लाइट कैचे करना होता है लो रेंडर में भी और हाई रेंडर में भी। उसके बाद आता है इरेडियंस मैप करंट प्रीसेट, इसमें हम लोग लो रेंडर के लिए लो और वेरी लो सेटिंग्स रख सकते हैं एंड हाई के लिए हाई और वेरी हाई। लाइट कैचे सब डिविजन्स, इसमें हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1000 मिलती है, जो कि हम लोग लो रेंडर सेटिंग्स के लिए 100 कर देते हैं एंड हाई में हम लोग 1000 और 1200 और इससे भी ज़्यादा जो आपको रखनी हो आप लोग रख सकते हैं, चेक करके कि किस पे आपका रेंडर सबसे ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और उसके बाद अगर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता तो आप लोग वही वैल्यू रख सकते हैं हाई रेंडर में। इसके बाद हम लोगों का दूसरा आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर हम लोगों को दो ऑप्शंस होते हैं, नॉइस थ्रेशोल्ड एंड ग्लोबल सब डिविजन्स मल्टीप्लायर, जिनकी वैल्यू के साथ हम लोगों को चेंजेस करने होते हैं लो रेंडर सेटिंग्स एंड हाई रेंडर सेटिंग्स के लिए। नॉइस थ्रेशोल्ड की जो लो रेंडर सेटिंग्स में हम लोग वैल्यू रख सकते हैं 0.01, ये जितनी वैल्यू हम लोग इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे सीन में नॉइस आता है, तो उस हिसाब से हमारा रेंडर टाइम जो है डिक्रीज़ हो जाता है। एंड जो हाई रेंडर सेटिंग्स के लिए है 0.001, ये इसकी सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, जो कि हम लोग सबसे हाई रेंडर के लिए जिसमें हम लोगों को हल्का सा भी नॉइस नहीं मिलता है, इसको आप लोग 0.001 की बजाय 0.005 भी रख सकते हैं, इससे भी आपका रेंडर काफ़ी अच्छा आता है एंड रेंडर टाइम में भी आपके इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद आता है ग्लोबल सब डिविज़न मल्टीप्लायर, जो हम लोग लो रेंडर सेटिंग्स में 0.2 रखते हैं एंड हाई रेंडर सेटिंग्स में हम लोग 1 या 1.2 रख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Immediately subscribe for more tutorials and updates.